नगर निगम द्वारा संचारी रोग पखवाड़ा के तहत स्वच्छता और सफाई पर स्वच्छता का वार, संचारी रोगों का संहार विषय पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन एनेक्सी भवन में किया गया। कार्यक्रम में जिला मलेरिया अधिकारी अंगद सिंह ने मलेरिया, डेंगू आदि मच्छर जनित एवं जल जनित बीमारियों के बचाव के बारे में स्लाइड शो के माध्यम से जानकारी दी और बताया कि डेंगू के लार्वा किस तरह समाप्त कर सकते हैं। बैठक को संबोधित करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल एवं नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने संचारी रोग नियंत्रण करने के लिए नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों और आशा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, संचारी रोग के कारण निवारण और बचाव के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, महाप्रबंधक जलकल सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र सहित नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, मलेरिया विभाग, जिला प्रशासन, नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी, आशा बहुएं एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, वार्डो के सुपरवाइजर एवं वार्डो के नोडल अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर साहब भी हैं, हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, किसको नाली की सफाई करानी है, नाली की सफाई के बाद में वहां कूड़ा उठान के बाद में और पता लगे कावरा हो गया या कोई ऐसा जो संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है, कोई रोग शुरू हो गया कहीं से पता चलता है, तो फिर हमें त्वरित निदान उसका क्या, त्वरित उपचार क्या करना है, इसके संबंध में जानकारी के लिए बहुत जिला मलेरिया अधिकारी आपको ये दिखाएंगे कि किस तरीके से ये रोग फैलता है। कर देती है, उसका निदान ये होता है कि जहाँ बरसात हुआ, जहाँ पानी कलेक्ट होने लगता है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, और सब पनपने लगते हैं तो बचाव कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। हमारे नगर साहब के निर्देश से जगह जगह पंप लगाए गए और पंप लगाने के बाद सभी लोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत 5 तारीख को रात्रि नगर वार्ड नंबर 7 में राष्ट्रीय स्कूल से शुरुआत किया गया। अधिकारी हमारे जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे वहाँ लोग गए देते हैं, वहाँ पे हम लोग विशेष रूप से कोविड का पेमेंट का दवाया दिया और साथ ही साथ हमारा छिया में चूनी की दर्शन कराया गया। बहुत लगा हुआ है मच्छर, आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी लार्वा को खत्म करने के लिए सबसे जरूरी है किरोसिन डाल डाल दें, वहाँ पे हम उसको जला हुआ मोबिल डाल दें ताकि मच्छर की लार्वा पनपने ना। टाइम समझिए कि मच्छर की जो होती है 14 से 15 दिन होती है। मलेरिया, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, ये सारी बीमारियां हमारी मच्छर जनित बीमारियां हैं। वर्तमान समय में जैसे हम लोग अभी मीडिया में सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि डेंगू के केसेस बहुत तेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे दिखाई दिए, फिरोजाबाद में, मथुरा में, कानपुर नगर में डेथ बुखार के कारण सुनाई पड़ी। उसी समय हम लोग सचेत हुए, नगर आयुक्त द्वारा मुझे भी फोन आया, हमारे डिस्ट्रिक्ट सेवा से सर को भी फोन आया कि हम लोग इस प्रकार के जो बुखार के रोगी हैं, इन किन प्रकार की गतिविधियां हम लोग करें कि हमारा जनपद इस बुखार की बीमारी से भी बचा रहे और जो असामयिक मृत्यु हुई उससे हम लोग बचे रह सकें। आप लोग काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं, टीम बना करके जिस तरह से हमारे नालियों की सफाई हो रही है, जिस तरह से हमारे यहाँ एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग के कार्य हो रहे हैं, उससे हम लोग निसंदेह मच्छर जनित बीमारियों का नियंत्रण प्राप्त करेंगे। डेंगू के मच्छर के विषय में जानना चाहते हैं, हर प्रकार के जैसे मलेरिया का मच्छर हुआ, डेंगू का मच्छर हुआ, फाइलेरिया का मच्छर हुआ, जापानी इंसेफ्लाइटिस का मच्छर हुआ, हम सब लोग मानते हैं कि ये तो मच्छर है एक प्रकार का नहीं, सब मच्छर अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग समय पर काटते हैं, अलग अलग शरीर के अंत से मिलकर बाहर जो पानी जमा है इससे डेंगू बीमारी होती है। के तरीके हैं कि डेंगू के रोग हमारे डेंगू की बीमारी फैल रही है, पहला तो घर के अंदर हमारे यहाँ पे हैं, हमारे तमाम अधिकारी महोदय भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ के सभी काम हमारी आंगनबाड़ी है, इनडोर स्प्रेडिंग को रोक सकते हैं, इनडोर मतलब घर के अंदर। कूलर होता क्या है कि जून के महीने में, जुलाई के महीने में वो उमस होने लगती है तो अपन क्या करता है, पानी बंद कर देता है, उसके बीच आकर के डेंगू का रोग फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यावरण के आगे हम लोग बेबस हैं कि जो लगातार चलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग मच्छर जनित परिस्थितियों के लिए अभी तक चर्चा कर रहे थे कि हम लोग एंटी
लार्वल और फॉगिंग की एक्टिविटी किस प्रकार करवाएंगे, सोर्स रिडक्शन की एक्टिविटी किस प्रकार करें, हम लोग ब्लीचिंग चूने का छिड़काव और अन्य प्रकार से किस प्रकार जो जल जनित बीमारियां हैं उसको नियंत्रित कराएंगे, जैसे कि पर्यावरणीय व्यवस्था को हम लोग कंट्रोल करने के लिए करेंगे। एक गंबुजिया फिश के बारे में हम लोग साइज 3 से 4 इंच की होगी, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 इंच, तो इतनी तेजी से वो लार्वा खाती है और इतनी तेजी से सेल्फ रेप्लिकेट भी करती है, यानी कि वो मछली से उसका डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा, जैसे हम लोग अगर 500 मछली वहाँ डाल दिए तो बहुत जल्दी वहाँ 5000 मछली होने की संभावना बनी रहती है। इन जगहों पर डेंगू के लार्वा पनपने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा खतरनाक इस रोग के लिए है। काफी नगर में हम लोगों ने नोटिस दी हुई है, सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये प्रक्रिया हमारी कंटिन्यू है ताकि कम से कम हमारे नियंत्रित करे, और अभी तक ईश्वर की कृपा से नियंत्रित भी है, हम लोग काम भी उस पर कर रहे हैं कि अवेयरनेस का प्रोग्राम एप्लीकेशन, एक आईसी जिसको हम लोग कहते हैं कि पोस्टर चिपका करके और जागरूक करके जिंगल करके, और हमारे जो जिले में जो एलईडी चल रही है, हमने सर कुछ छोटे छोटे क्लिपिंग सूचना अधिकारी को दिए बनाएंगे, तो हम लोग ऐसे करवाएं कि हमारे जो सफाई के गाड़ियां जा रही हैं उस पर कुछ छोटे इसके क्षेत्र में हम एक्टिविटी कराएं, जिससे हमारे और आपके एरिया में तमाम सरकारी आवास भी बन रहे हैं, प्राइवेट आवास भी भवन निर्माण हो रहे हैं, वहाँ पर होता क्या है छोटे छोटे गड्ढे खोद करके छोड़ दिए जा रहे हैं या बड़े बड़े ड्रम पानी में रखे हुए। हम सारे लोग नियंत्रण के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, हमारे इस कार्यक्रम में नगर निगम द्वारा हमारे नगर आयुषार ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में हमारे नगर निगम के सभी अधिकारी, हमारे सुपरवाइजर 70 वार्डों के 70 सुपरवाइजर, आशा प्रमुख और सब अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए महिलाएं यहाँ पर आई हुई है। अभी बड़ा ने हमारे पूर्व अधिकारी ने बड़ा ही सरल सरल उपाय बताया है कि किस तरह से हम संचारी रोग से खुद को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। मैं बताया गया कि कपूर सरसों का तेल से अगर आप शरीर के अंदर लगाकर सोएंगे तो मच्छर का प्रभाव एकदम का सीमित हो जाएगा, साथ ही मच्छरदानी का प्रयोग, और ये जल से जो हमारा जल है जो नियंत्रित ढंग से रखने पर गमलों में टायरों में या खुले छत पर उसमें अगर पानी रह जाता है तो मच्छरों के लाभ बढ़ते हैं और उस घर को तो बर्बाद करते ही है, आस पास के क्षेत्रों पर लोग प्रभावित करते हैं। हमारे जितने भी स्वास्थ्य सेवा से जुड़े यहाँ पर लोग उपस्थित है, हमारे नगर निगम के 70 सुपरवाइजर हैं यहाँ पर, मैं इन लोगों से कहूँगा कि जिस जिस क्षेत्र में ऐसा संदेह हो कि उनके छतों पर ऐसी कोई सामग्री है जहाँ पानी इकट्ठा होगा और मच्छर पैदा होगा, तो उनके घर में वहाँ के मालिक से प्रयास करके जाए और देखे, साथ ही साथ जो मोहल्लों में कूलर लगा हुआ है, अधिकांश घरों में कूलर लगा हुआ है, ऑफिस में लगा हुआ है, मैं अपने अधिकारियों से कहूँगा कि इसे पेपर के माध्यम से प्रसारित करें कि जहाँ हमारे ऑफिस है, चाहे रेलवे के ऑफिस है, चाहे कचहरी है, अगर आपका ऑफिस है, जहाँ भी कूलर लगे हैं वो लोग उसे देख लेख करें। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो कहा इसमें कोई भी मच्छर रहेगा तो जिंदा नहीं बचेगा, कोई लावा रहेगा तो मर जाएगा। घर में जो युवक हैं युवतियाँ हैं उसमें हमारे आशा रूम में जाए और उनको बताएं, उनके घरों में हो सके तो ऊपर छत के ऊपर जाए घूम करके देखें, और जिस तरह कहीं भी इस तरह की संभावना दिखाई पड़ती है तो उनसे आग्रह करके उनको समझाएं इस तरह का प्रयोग करेंगे तो आप बच सकते हैं।
और देर रात तक ये इंतजार रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तस्वीर रखकर निर्देशित करके और निश्चिंत हो जाते हैं, बल्कि उस काम को पहले खुद आगे बढ़ के करते भी हैं। हम लोगों से जहां गलतियां होती हैं वहां सुधार भी करते रहते हैं। रैली को हरी झंडी दिखाना चाहते हैं और जल प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करना चाहते हैं। माननीय जी ने राप्ती नगर में सफाई कर्मियों को, स्वच्छता कर्मियों को संबोधित किया, उनको मोटिवेट किया इन संचारी रोगों से लड़ने के लिए। उन्होंने इन सफाई कर्मियों की रैली को, स्वच्छता की रैली को हरी झंडी दिखाई और राप्ती नगर क्षेत्र में पैदल चलकर उन्होंने जल प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इसका मुख्य उद्देश्य था गोरखपुर, जो कि तराई का क्षेत्र है, इसकी बनावट ऐसी है कि जब भी बारिश होती है यहाँ पे अतिवृष्टि की हद तक बारिश होती है और बनावट की वजह से पानी काफी समय तक रुका रहता है। आज की तारीख में नगर निगम कर्मियों की मेहनत से, अधिकारियों की मेहनत से लगभग 98% जगहों से पानी खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ जगह पानी लगा है और जहां से पानी निकल गया है वहां पे भी अभी गंदगी है, कीचड़ है आदि। ऐसी जगहों पर संचारी रोगों के फैलने का पूरा खतरा रहता है, इसीलिए नगर निगम ने ऐसे 70 वार्डों में अपने 70 अधिकारियों को एज नोडल ऑफिसर तैनात किया है कि वो उन वार्डों में डेली जाएंगे, उनका भ्रमण करेंगे और संचारी रोग का जो हमारा ये अभियान है उसका निरीक्षण पर्यवेक्षण करते हुए जहां कहीं जो कमियां होंगी उसको दूर कराएंगे। देखना है सभी जोनल ऑफिसर को, सभी जोनल सैनिटरी इंस्पेक्टर को इस बात को देखना है कि जो उनको ताकीद किया गया है वो काम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर अभी कुछ देर पहले ही एक मीटिंग हुई थी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में, अगर हम इस वक्त चूक गए कि बहुत ही हाई टाइम है, पानी हमारा कुछ जगह में लगा हुआ है, पानी बहुत जगहों से उतर चुका है, मच्छर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, अभी डीएमओ साहब ने बहुत डिटेल में बताया कहाँ कहाँ से ये मच्छर, ये लार्वा पनप रहे हैं, हम लोग उन क्षेत्रों में जाकर खासतौर पर ध्यान देना है, गंदगी कहीं भी नहीं रखनी है। और अगर हम सभी लोग मिलकर एक टीम के रूप में काम करेंगे, घरों की छत, कूलर, गमलों, टीम के खाली डिब्बों, नारियल के खोल, पानी की टंकी, टायर, जहां भी पानी एकत्र हो सकता है, इसके अलावा जैसे जिला मलेरिया अधिकारी साहब ने बताया कुछ लोग अपने घरों में पॉन्ड बनाकर उसमें मछलियां रख लेते हैं या पानी इकट्ठा रहता है, तो मुझे अभी भी याद आया कि मेरे भी घर में, मेरे भी घर के लॉन में पानी इकट्ठा हुआ है। पहले जितने लोग मछलियाँ पालते थे अब नहीं पाल रहे हैं, पानी इकट्ठा है, तो मैं कोशिश करूँगा आज मैं भी दिखवा कर पानी को निकलवा दूँ और एंटी लार्वा का छिड़काव करूँ। इस प्रकार सभी लोग अपने अपने घरों में खुद देखें, सुपरवाइजर इस बात को ताकीद करें, एक एक हमारा सफाई कर्मी इस वक्त स्वच्छता के सिपाही के रोल में नजर आना चाहिए। जिला जो हमारे जोनल ऑफिसर हैं, हमारे जोनल इंस्पेक्टर हैं, इस वक्त एक महीने का ये अभियान हमको जबरदस्त तरीके से चलाना है और जो भी लिखा होगा आपने बोर्डिंग देखी होगी, स्वच्छता का वार, स्वच्छता का वार, संचारी रोगों का संहार, हमको जो ये स्वच्छता का किस प्रकार से सफाई को करना है, किस प्रकार से छिड़काव करना है, ये हमारा पूरा शहर कहीं पर भी संचारी रोग संक्रमित होकर फैलने लगे। आज नगर निगम संचारी रोगों पर नियंत्रण करने के लिए नगर निगम के सभी अधिकारी, सुपरवाइजर, आशा बहुएं, हमारे डॉक्टर्स लोग आए हैं, मुख्यमंत्री के निर्देश है कि जहां जहां पानी निकला है वहां पर बहुत सारी बीमारियां पैदा होने का संदेह है, तो इससे मच्छरों पर नियंत्रण करने के लिए नगर निगम अभियान चलाएगा। 70 वार्डों में 50 गाड़ियों से छिड़काव शुरू किया जाएगा, नगर आयुक्त साहब ने आदेश दिया है, जल्द ही इस काम को हम लोग करेंगे और तरह तरह के उपाय बताए गए हैं मच्छरों से बचने के लिए,
लावा को मारने के लिए, और अगर कोई बीमारी इस तरह हो जाती है तो इसका कैसे बचाव करेंगे, कैसे इलाज करेंगे, ये भी चीज़ें बताई गई है। बहुत सारे देसी नुस्खे बताए गए हैं जिसका उपयोग करके हम जनजनित और डेंगू मलेरिया से बच सकते हैं। इसी पर आज मंथन हुआ है। 70 वार्डों में हमारे सुपरवाइजर अधिकारियों के देख रेख में घर घर में जाएंगे और उन जगहों को चिन्हित करेंगे जहां लावा पनप सकते हैं। जहां लावा पनपने का संदेह होगा वहां पर जो चीज़ें यहां बताई गई है उसका पालन कराएंगे।